हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश रातावाल और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑरेंज स्काई पर। ऑरेंज स्काई पर लास्ट एपिसोड हमने किया था 14, जिसमें हमने सीखा फोटोशॉप के एक मेन्यू के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी कमांड्स की हैं। आज जो हमारा एपिसोड है वो है एपिसोड 15, जिसमें हम इमेज मेन्यू के बारे में सीखेंगे। इमेज मेन्यू में जो भी कमांड्स हैं, जैसे मोड, उसके अलावा और भी कई कमांड्स हैं, उनको हम आज सीखेंगे। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट में कमांड्स हैं, उनको हम अलग से एपिसोड में करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल से देखने वाली चीज़ें हैं। तो शुरुआत करते हैं आज इमेज मेन्यू से। इमेज हमने एक ओपन की हुई है, इसके बाद हम जाते हैं मोड पर। इमेज में यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएंगी जो कि इमेज के लिए हैं। ग्रे स्केल करना चाहते हैं आप तो ग्रे स्केल कर सकते हैं। इंडेक्स कलर जो वेब के लिए हम यूज़ करते हैं, RGB ऑनलाइन मीडिया के लिए यूज़ होता है, CMYK के प्रिंटिंग के लिए अगर आपकी फाइल है, यानी कि अगर आप प्रिंटिंग पर्पज से फाइल बना रहे हैं तो उस पर CMYK के कलर यूज़ होते हैं, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। RGB कलर रेड, ग्रीन, ब्लू। इसके अलावा लैब कलर और मल्टी चैनल है जो बाकी कई कमांड्स में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो नीचे आप देखेंगे तो बिट सैंपल है कि आपकी जो फाइल है वो कितने बिट्स की हो, यानी पर चैनल जो बिट्स हैं वो कितने हो। 8 बिट्स पर फिलहाल ये फाइल है हमारी। अगर 16 बिट हम करते हैं या 32 बिट करते हैं तो इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, उसके साथ ही इसका जो साइज़ है, जो फाइल का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 8 बिट के हिसाब से ही इसको हैंडल करते हैं। अगर आपका सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके हिसाब से हम इसका जो बिट लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, 16 या 32। फिलहाल हम 8 पर ही काम करेंगे। तो इसमें बाकी देखते हैं, ग्रे स्केल करते हैं। ग्रे स्केल में आपके सभी चैनल रिमूव हो चुके हैं और ब्लैक चैनल पर ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। दोबारा चलते हैं। अब दोबारा जब हम ग्रे स्केल से इसको RGB या CMYK या लैब इंडेक्स किसी भी कलर में करेंगे तो इसका जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट ही आपको दिखाई देगा। इसको समझने के लिए हम चैनल को ओपन करते हैं। यहाँ पर फिलहाल एक ही चैनल आपको शो हो रहा है जो कि ग्रे है। जो ग्रे स्केल आपके जो लेवल हैं 0 से लेकर 255 तक, वो सभी आपको शो होंगे इसमें। दोबारा चलते हैं इमेज मेन्यू पे मोड पर, और यहाँ हम देखते हैं इसको दोबारा RGB करते हैं। RGB जब मैंने किया तो यहाँ पर आपको रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल शो करेगा, लेकिन यहाँ पर इमेज जो है आपकी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है तो ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आएगी। तो जब भी हम कलर से ब्लैक एंड वाइट किसी इमेज को कर देते हैं तो उसके कलर ब्लैक एंड वाइट ही आपको नज़र आएंगे। अगर दोबारा आप उसको कलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कलर नहीं नज़र आएंगे। दोबारा इसको एक बार हम अंडू करते हैं, या इसको फिलहाल इमेज में दोबारा चलते हैं मोड पर। ग्रे स्केल हमने इसको दोबारा किया। ग्रे स्केल के बाद में इसमें जो दूसरी कमांड है वो है आपका बिट मैप। जब आप इसको बिट मैप करना चाहें, यानी कि फिलहाल इसमें हाफ टोन स्क्रीन है, फिलहाल इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो ग्रे स्केल लेवल है उसमें स्क्रीन क्रिएट होती है। तो स्क्रीन को जब आपको नहीं चाहिए, जब आप स्क्रीन बिल्डिंग जैसे करते हैं तो उसमें ग्रे स्केल इमेज नहीं यूज़ होती है, उसमें सॉलिड कलर चलते हैं। तो उस टाइम पर हम इमेज में जाते हैं मोड और इसको बिट मैप करते हैं। बिट मैप जब आप करेंगे तो जो भी आपकी इनपुट और आउटपुट रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनपुट रेजोल्यूशन मान लीजिए 600 है और आपको 300 के हिसाब से करना, तो आउटपुट यहाँ पर आप 300 कर सकते हैं। और नीचे जो मेथड है उसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे 50% थ्रेशोल्ड पर हम करते हैं तो इस तरह इमेज आपकी हो जाएगी। दोबारा एक बार अंडू करते हैं। कमांड Z का इस्तेमाल मैंने किया और दोबारा इसको हम इमेज में जाते हैं मोड बिट मैप, और इस टाइम इसको हम क्लिक करते हैं पैटर्न। पैटर्न जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस तरह के इस पर पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। और इसको जूम करके देखते हैं जो पैटर्न है किस टाइप का है। एक बार दोबारा इसको अंडू किया हमने, इमेज में चलते हैं, इमेज मोड और बिट मैप पे दोबारा क्लिक किया। इसके बाद में इस डिफ्यूजन मेथड भी कर सकते हैं, हाफ टोन स्क्रीन भी कर सकते हैं, कस्टम पैटर्न अगर आप कोई क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसी में कोई पैटर्न लिया, जैसे मान लीजिए मैं ये पैटर्न सेलेक्ट करता हूं और इसका ओके किया मैंने, तो वो पैटर्न उस पर अप्लाई हो जाएगा। एक बार और अंडू करते हैं इसका, इमेज मोड और दोबारा हम चलते हैं बिट मैप पे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें हाफ टोन स्क्रीन। हाफ टोन स्क्रीन हम यूज़ करते हैं जब कोई हमें स्क्रीन के थ्रू प्रिंट करना हो, यानी कि जो स्क्रीन प्रिंटिंग है वहाँ हमें अगर किसी हाफ टोन को प्रिंट करना है तो वहाँ हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर ये हमसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा और इसका एंगल पूछेगा और इसका जो शेप है वो पूछेगा। तो राउंड या डायमंड जो भी हम यूज़ करना चाहें, राउंड बेसिकली चलते हैं उसमें। यहाँ पर 53 है। जैसे अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, कोई बैनर्स प्रिंट होते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू, तो वहाँ पर 60, 25, 85 इस तरह से स्क्रीन रखी जाती है जो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे हमने इसको किया 45 ही इसको हम कर देते हैं। इसका जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो डॉट का साइज़ है, लाइन पर इंच या डॉट पर इंच, फिलहाल हम राउंड ले रहे हैं तो डॉट पर इंच ही होगा। तो ये यहाँ पर हाफ टोन इसमें क्रिएट हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें डॉट डॉट के थ्रू ये पूरी इमेज क्रिएट हो रही है। ऑप्शन की मैंने प्रेस की, क्लिक कर रहा हूँ लेफ्ट से जूम आउट करने के लिए। इसको दोबारा एक बार अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद दोबारा हम चलते हैं इसी में, और यहाँ पर हम इसको एक बार और बिट मैप में चलते हैं और हाफ टोन स्क्रीन पे इसको दोबारा क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पर इस टाइम हम करते हैं इसको 25।
25 ओम में किया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जो डॉट हैं वो और ज़्यादा साइज उनका इंक्रीज हो चुका है, यानी कि पर इंच जो डॉट हैं उसके उतने ही आएंगे जितने हम यहाँ पर टाइप करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है मोड में वो है हमारा डुअ टोन, बहुत ही बढ़िया कमांड है। जब एक या दो कलर से हम किसी इमेज में कोई टोन क्रिएट करना चाहते हैं तो उस टाइम पर इस कमांड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कस्टम में इसमें कुछ प्रीसेट बने हुए हैं, अगर हम उनको यूज़ करना चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे सियान, मजेंटा, ग्रीन, जैसे ग्रे या ग्रीन, ये हमने क्लिक किया, प्रीव्यू आपका यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें ग्रीन और ब्लैक कलर जो है वो यूज़ हुआ हुआ है, तो ये यहाँ से प्रीसेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोनोटोन, डुओटोन, ट्राइटोन और क्वाड टोन दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हम इसको क्लिक करेंगे तो उतने ही कलर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। डुओटोन पर करते हैं, यहाँ पर हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर यहाँ पर हमने इसको जैसे ब्लू करना है एक, और दूसरा जो कलर है उसको हम थोड़ा सा डेप्थ इसकी इंक्रीज करेंगे ब्लैक में, ओके किया। यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज है उसको हम कर्व पर सेट कर सकते हैं, जैसे इस टाइम पर इसमें इसको माइनस किया हुआ है, अगर हमें इसकी जो डेंसिटी है इसको इंक्रीज़ करना हो तो हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से इसको रिमूव किया, यहाँ से आप इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इस तरह जब भी हमें कोई कलर इसमें चेंज करना हो तो वो हम चेंज कर सकते हैं डुओटोन में, लेकिन इसमें जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो ये एज ए PSD ही सेव होगी, ये JPEG सेव नहीं होगी, तो इसलिए जब भी आपको डुओटोन फाइल सेव करनी हो तो उसके लिए PSD यूज़ करें। इसके अलावा जो नीचे प्रीसेट इसमें दिए हुए हैं उनको भी हम दोबारा देखते हैं। ग्रे स्पेस सेटिंग को हमने अप्लाई किया, यहाँ पर दो कलर फिलहाल यूज़ हो रहे हैं लेकिन आपको इमेज जो है वो ग्रे नज़र आ रही है, ओके करते हैं इसको। दोबारा हम इमेज मेन्यू में मोड, और यहाँ पर आप देखेंगे तो डुओ टोन आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम चेंज करना चाहें RGB या CMYK में तो वो चेंज कर सकते हैं, जैसे RGB में दोबारा चेंज कर देता हूँ तो कलर उसके वैसे ही रहेंगे पर इमेज चेंज हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ऑटो टोन, कंट्रास्ट और कलर। जब भी हम कोई इमेज ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को हम एक बार दोबारा रिवर्ट करते हैं, रिवर्ट करने के बाद हमें इमेज में कुछ सेटिंग अप्लाई करनी है उसकी टोन, कंट्रास्ट या कलर को, तो यहाँ से ऑटो लेवल ये अपने आप कंप्यूटर डिटेक्ट कर सकता है उसको। अंडू करते हैं इसको दोबारा। उसके बाद नीचे देखेंगे आपका इमेज साइज, इमेज साइज हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जब भी किसी फाइल का साइज आपको इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं अगर उनके थ्रू आपको करना है, जैसे 4:6 × 300 तो उसके हिसाब से ये रेजोल्यूशन और उसका साइज एडजस्ट कर देगा, लेकिन इसमें जो साइज है वो विड्थ में चेंज हो चुका है, हाइट में जो साइज है वो इमेज के अकॉर्डिंग ही आया है इसमें। इसके अलावा अगर हमें कोई दूसरा साइज करना हो जैसे 5:5 और इसे रेजोल्यूशन को अगर हम 200 करना हो तो वो हम कर सकते हैं, यहाँ से इसका साइज़ उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाता है। इमेज में जाते हैं दोबारा, इमेज साइज़, यहाँ पर साइज़ आप इसका ऊपर देखेंगे तो पिक्सल में शो कर रहा है, यहाँ पर इंचेस या जिस भी हिसाब से आप परसेंटेज पिक्सल या सेंटीमीटर के हिसाब से इसको देखना चाहते हैं तो इसका मेजरमेंट उसी हिसाब से हम चेंज कर देंगे, फिलहाल इंचेस में ही रखते हैं इसको। इमेज जो साइज़ है इस टाइम पर 27 point something है और हाइट में 18.5, तो इसको हम 20 inch विड्थ में और हाइट में 10 inch। अब मैं एक को चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा भी चेंज हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ से जो प्रोपोर्शनेटली जो इसका लॉक है उसको हम ऑफ कर देते हैं। अब दोबारा इसको करते हैं, इसको हम 14 कर देते हैं, नीचे 9 कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये साइज चेंज हो चुका है। ऊपर देखेंगे तो आप पहले जो था वो 7.6 था और अब जो चेंज हो गया है साइज इसका वो 1.87 MB है, ओके करते हैं इसको। तो फाइल का जो साइज है वो भी आपका स्मॉल हो चुका है इसमें। एक बार इसको अंडू करते हैं, अंडू करने के बाद दोबारा इसमें इमेज में हम चलते हैं, इमेज में दूसरा रेजोल्यूशन है, जब भी कोई रेजोल्यूशन हमें चेंज करना हो, इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो तो उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पर मान लीजिए ये 72 है, अगर हमें 300 करना है इसको या 150 करना है तो 150 हम करेंगे। इसमें आप देखेंगे ऊपर 7.6 पहले था, लेकिन जैसे ही मैंने रेजोल्यूशन को चेंज किया यानी कि इसको इंक्रीज़ किया तो जो उसका MB में साइज़ था वो भी 33.1 MB हो गया है, ओके करते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे रिसैम्पल, इसको एनलार्जमेंट और इसको एनलार्ज करने के लिए या इसका साइज़ छोटा करने के लिए उसे रिडक्शन के लिए किस तरीके मेथड को अप्लाई करें वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। 150 किया और ओके किया हमने, साइज़ इसका चेंज हो चुका है। दोबारा एक बार अंडू कर लेते हैं वापस, कमांड 0 मैंने प्रेस किया फिट टू इमेज के लिए, इमेज में जाते हैं दोबारा। इसके बाद में है कैनवस साइज, कैनवस साइज को हम क्लिक करते हैं, कैनवस साइज यहाँ पर जो आपकी फाइल का जो इस टाइम पे साइज नजर आ रहा है उसमें अगर कैनवस को हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जैसे इस टाइम पर 27.7 है और हाइट में ये 18.5 है, तो हम चाहते हैं जो उसका कैनवस साइज है वो 15.5
10 रह जाए, तो इस टाइम क्या होगा, जो आपकी इमेज है जो आउटसाइड इसका एरिया होगा, यानी जो 15 और 10 के अलावा जो इसका आउटसाइड एरिया बचता है, उस इमेज को ये क्रॉप कर देगा। ओके करते हैं, तो इमेज का वो पार्ट आपका क्रॉप हो चुका है। दोबारा इसको अंडू करते हैं और हम चलते हैं दोबारा इमेज और कैनवस साइज। यहाँ पर अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने इसको 35 इसको किया विड्थ में और 25 इसको हाइट में किया, ओके करते हैं। तो जैसे ही मैंने ओके किया, आपने देखा जो साइड में पोर्शन है इसका, जो फाइल का साइज है वो वाइट नजर आ रहा है, यानी कि ये जो कैनवस है जो इंक्रीज हमने किया, ये वो पोर्शन है। ये बैकग्राउंड कलर को डिटेक्ट करता है, जो भी बैकग्राउंड कलर आपका होगा वही कलर यहाँ पर इंक्रीज होगा। एक बार दोबारा इसको अंडू करते हैं, इमेज में एक बार और चलते हैं और यहाँ पर कैनवस साइज अब दोबारा देखते हैं। अब नीचे आप देखेंगे तो रिलेटिव लिखा हुआ है, रिलेटिव जब हम करते हैं तो ये 0-0 हो जाएगा, यानी कि इसके बाद में हमें इसको चारों साइड से जितना भी इंक्रीज करना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 2 इंच हाइट में और 2 विड्थ में, और यहाँ से आप इसका मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं कि किस पोर्शन को लॉक करें और कहाँ से इसको इंक्रीज करें। बैकग्राउंड इसका यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो कैनवस साइज है वो 2 इंच इंक्रीज हो चुका है चारों साइड से। 1 इंच इस साइड है और 1 इंच इस साइड है, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 1-1 इंच इंक्रीज हो चुका है। इसको दोबारा अंडू करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं इमेज में, इमेज मेन्यू में। इसके बाद में जो आपके पास कमांड है वो रोटेशन की है, इमेज रोटेशन। रोटेशन आपका एडिट में भी था, जब एडिट से हम रोटेट करते हैं वो किसी लेयर या किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है, यहाँ से पूरी इमेज रोटेशन में आ जाएगी। जब भी हमें किसी इमेज को रोटेट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, जैसे 180 मैंने इसको किया तो पूरी की पूरी इमेज रोटेट हो चुकी है। अंडू करते हैं इसको दोबारा, इमेज में दोबारा चलते हैं और यहाँ पर आर्बिट्रेरी इसको क्लिक किया। अगर आप अपने हिसाब से कुछ इसको रोटेशन देना चाहते हैं क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 30 डिग्री इसको टाइप किया और ओके किया तो उतना ही डिग्री ये इंक्रीज होगा। वापस अंडू किया हमने, इसके बाद जो नीचे है आपका फ्लिप कैनवस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसको फ्लिप करना है तो वो कर सकते हैं। ऊपर क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में है आपका क्रॉप और ट्रिम। क्रॉप जब भी हम किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं, क्रॉप टूल के थ्रू भी हम क्रॉप कर चुके हैं। यहाँ से देखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इतना पोर्शन इसका क्रॉप करना है तो मैंने सेलेक्ट किया, इमेज मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पर क्रॉप को मैंने क्लिक किया। दोबारा अंडू करते हैं और इसमें यहाँ पर देखते हैं हम इसके जो आउटसाइड एरिया है फिलहाल हम उसको इरेज कर देते हैं। सिलेक्शन में जाकर इसको हमने इनवर्स किया और इसको डिलीट कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वो है आपकी ट्रिम। ट्रिम क्या काम करती है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अलावा और उसके जो चारों साइड का एरिया है उसको ये रिमूव कर देती है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपके पिक्सल आपसे पूछेगा और ट्रिम अवे, यानी किस साइड से इसको करना है, तो हम चारों साइड से इसको करते हैं, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट ट्रांसपेरेंट पिक्सल या टॉप लेफ्ट पिक्सल, ओके किया तो इसने इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से। तो वापस अंडू करते हैं, अंडू करने के बाद इसको दोबारा हम चलते हैं यहाँ पर ट्रिम के बाद रिवील ऑल। जैसे मान लीजिए ये हमारी इमेज है, इसको एक बार हम अंडू कर लेते हैं, अंडू ये हमने कर लिया। इमेज में जैसे मान लीजिए मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ या इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। कमांड टी मैंने प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसका ऑन किया, ओके किया। अब आप देखेंगे कि जो इसका इमेज का साइज है, जो इमेज का एरिया है वो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो उस सभी को देखने के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इमेज में जाते हैं और इसको रिवील ऑल करते हैं, तो पूरा का पूरा जो भी एरिया है यानी इमेज में जो भी पोर्शन है वो सारा आपको नजर आएगा। उसके अकॉर्डिंग ये अपना कैनवस को इंक्रीज कर लेगा। उसके बाद डुप्लीकेट, अगर आपको इमेज का डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट प्रेस कीजिए, यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं हम कि किस नाम से उसको डुप्लीकेट करें। कॉपी फिलहाल इसको रखा हुआ है, ओके किया तो ऊपर देखेंगे आपको पहली फाइल भी नजर आएगी और जो दूसरा हमने इसको डुप्लीकेट किया वो ये रहेगी। इमेज में दोबारा चलते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके अप्लाई इमेज और कैलकुलेशन। ये इमेज पर ही कुछ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे हम अप्लाई इमेज करते हैं तो यहाँ पर आप इसको इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम किसी लेयर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर दूसरी लेयर से मोड के थ्रू इफेक्ट अप्लाई करते हैं, वैसे डायरेक्ट हम यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पर ये मल्टीपल है, इसको डार्कन जैसे किया, जैसे ही मैं उसको मूव करूंगा ये उसका जो रिजल्ट है वो शो करेगा। इसके बाद जो इसकी परसेंटेज है वो भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ओके किया, लेयर आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि कौन सी लेयर पर काम करे। यहाँ पर सोर्स इसका हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके करते हैं, या इसका जो चैनल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस चैनल पर ये काम करे। इस टाइम पर RGB पर इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट हो चुका है। दोबारा इन्वर्ट करते हैं इसको, ओके किया तो ये उस सेटिंग के अकॉर्डिंग अप्लाई हो चुकी है कमांड। दोबारा एक बार अंडू कर ले तो कितना फर्क है जो हमने अभी अप्लाई किया है। इमेज में दोबारा जाते हैं और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में यहाँ पर हमें सोर्स 1 और सोर्स 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स 1 जैसे हमने इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं या कुछ इसमें सेटिंग चेंज करते हैं, जैसे ये इमेज हमारे पास है इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं कमांड आई, और इसका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज करेंगे। दोबारा इमेज पर चलते हैं, कैलकुलेशन हमने किया, यहाँ पर सोर्स हमने एक इसको बताया जो इमेज हमने पहले ओपन की है उसको, और दूसरी इमेज ये वाली, तो यहाँ पर इसको ये मर्ज कर रहा है। लेयर अगर 01 रखनी है तो वो हम कर सकते हैं, फिलहाल इसको मर्ज डी करते हैं।
यहाँ पर सोर्स दूसरा जो कौन सा है वो सेकंड फाइल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर इसको चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दोनों जो सोर्स हैं वो अलग अलग हमने रखे हैं। उसके बाद में ये इस सेटिंग को अप्लाई करेगा जो हमने पहले भी अप्लाई किया। तो इस तरह इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इन दोनों कमांड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जहाँ पर भी इफेक्ट आपको देने हो तो उनको आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है उसको न्यू चैनल, न्यू डॉक्यूमेंट या सिलेक्शन के थ्रू हम उसको ले सकते हैं। ओके किया इसको, तो ये हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर इसको वापस अंडू कर लेते हैं एक बार हम। उसके बाद में इसमें इमेज में हम देखते हैं नीचे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपका जब भी आप कोई फाइल, जैसे मान लीजिए आपका विजिटिंग कार्ड आप कोई बनाते हैं और आप एक विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं और आपको उसी के जैसे बहुत सारे और विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, मान लीजिए 50 विजिटिंग कार्ड आपको और बनाने हैं जिसमें आपका नाम, डेजिग्नेशन और कुछ मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करने हों, तो उसको हम इस कमांड के थ्रू करते हैं जिससे कि हमारा टाइम बचता है, हमें बार बार उन डिज़ाइन को बनाना नहीं पड़ता। हम एक को वेरिएबल सेट करते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। इसको वेरिएबल की जो ये कमांड्स हैं इस कमांड को हम उसमें कवर करेंगे। उसके बाद में है ट्रैप। ट्रैपिंग जब आप कोई इमेज या कोई लोगो यहाँ पर ओपन करते हैं तो उसमें कलर के कुछ स्टेप्स शो करता है, तो उन स्टेप्स को ठीक करने के लिए यहाँ पर हम ट्रैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। और एनालिसिस, इसमें रूलर और काउंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रूलर का मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक ये हमें शो करे। इसके लिए हमें विंडो में जाके और इन्फो जो आपका पैनल है उसको ओपन करना पड़ेगा। दोबारा मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो साइज है वो शो कर रहा है। जब भी हमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो इन टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनालिसिस में दूसरा है काउंट टूल। काउंट टूल हम क्या काम करते हैं कि जब भी हम इमेज पर कहीं कुछ वहाँ में मार्क करना हो तो वहाँ हम इसको क्लिक करते हैं जिससे कि हमें उसके जो पॉइंट्स हैं वो याद रहे कि हमें किस जगह पर क्या काम करना है। वहाँ पर हम उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इमेज मेन्यू में आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहे। जैसे वेरिएबल्स है इसका हम एक अलग एपिसोड करेंगे। एडजस्टमेंट जितनी भी कमांड्स हैं ये सभी हम अलग एपिसोड भी कवर करेंगे। आज के इस एपिसोड से जो भी आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। नेट से कोई भी इमेज आप डाउनलोड कीजिए, उस पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपका रिजल्ट हो उसको सोशल मीडिया पे मुझे टैग करते हुए पोस्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड जिसमें हम सीखेंगे इमेज मेन्यू की कुछ और कमांड्स के बारे में, जिसमें हम कलर को किस तरह चेंज कर सकते हैं अलग अलग कमांड्स के थ्रू।